नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर 3 कोरुक। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी लर्न संस्कृत स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 3 कोरुक। कोरुक का मीनिंग हम पहले जान लेते हैं। वी नो द वर्ड कोरुक। कोरुक मीन कह प्लस औरुक। हु इज हेल्दी? कौन हेल्दी है, कौन निरोगी है? तो निरोग मीन्स हेल्दी, हेल्थ। हम इनके पहले न्यू वर्ड्स जान लेते हैं। वी नो द न्यू वर्ड्स ऑफ कोरुक। पहले आकाशे मीन्स इन द स्काई। अत्र तत्र मीन्स हियर एंड हियर। गच्छति मीन्स इज गोइंग। वदति स्पीक्स SPEAKS। भवति मीन्स लिव्स। द्वारम द्वारम मीन्स डोर टू डोर। अटति means moves। janaha means people। upahasam means ridicule। kurvanti means do। koopi ye anuswar hai। koopi means anyone। nirashah means disappointed। Now, dadati, no dadati, does not give। Vrukshasya adha means under the tree। Vardhasi, vaidarsi means doctor, vaid, हम बोलते हैं ना वैद्य। वैदर्शी means doctor। Shmati means fears। Vitbuka means one that takes balanced milk, जो balanced milk लेता है वो। Rutbuka means one who takes according to the season, who takes milk according to the season। And last सह एव means only he। तो ये थे कोरुक के न्यू वर्ड्स। नाउ वी स्टार्ट द कोरुक। ओके, नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। कोरुक। कोरुक मीन्स हु इज हेल्दी। द स्मॉल स्टोरी इन दिस चैप्टर shows the importance of our physical health। It warns us for our bad habit of our lifestyle and food। Our mind and soul become pure only after by cleanliness of our body। The story teaches the children to be aware of their food eating habits and the importance of their physical health। Now read। Ekah pakshi asti, there is a bird। Sah akase atra tatra gachati। Atra tatra means here and there। Gachati means is going। It goes here and
देयर इन द स्काई। सह पुनः पुनः वदति कोरुक कोरुक। इट स्पीक्स पुनः पुनः मीन्स अगेन एंड अगेन। इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन। हु इज हेल्थी हु इज विदाउट एनी डिसीज। कह निरोगी भवति मीन्स हु इज विदाउट एनी डिजीज। कौन निरोगी है। पक्षी द्वारम द्वारम अटति। द्वारम द्वारम मीन्स डोर टू डोर। अटति मीन्स मूव्स। द बर्ड वेंडर्स डोर टू डोर। एकम एव प्रश्न पृच्छति। पृच्छति मीन्स आस्क। इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन। जनाः उपहासं कुर्वन्ति। पीपल रिडिक्यूल इट। कोऽपि उत्तरं न ददामि। नोबडी आंसर इट। पक्षी निराशः भवति। द बर्ड बिकम्स निराशः मीन्स डिसअपॉइंटेड। द बर्ड बिकम्स डिसअपॉइंटेड। कोई उत्तर नहीं देता इसलिए वो निराश हो जाता है। सह वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च। इट गोज इन द फॉरेस्ट एंड सिट्स ऑन ए ट्री। वृक्षस्य अधः वैद्यर्षि वाग्भट्टः अस्ति। देयर इज ए वैद्य ऋषि वाग्भट अंडर द ट्री। जहाँ वो वृक्ष पर बैठता है वहाँ ट्री के नीचे एक ऋषि बैठे हुए हैं। उनका नाम है ऋषि वाग्भट। पक्षी पुनः वदति। द बर्ड अगेन स्पीक्स। क्या बोलता है। कोरुक कोरुक। हु इज हेल्दी हु इज हेल्दी। इति वाग्भट्टः शृणोति। वाग्भट हियर्स इट। वाग्भट ने उनको सुना। सः वदति। इट सेज। हितभुक मितभुक ऋतभुक इति अर्थम अस्ति। इट सेज बैलेंस्ड मील इटर लिमिटेड मील इटर एंड इटर अकॉर्डिंग टू ए सीजन। हितभुक मीन्स वन दैट टेक्स बैलेंस्ड मील। मितभुक मीन्स वन हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा नहीं खाता है वो। और बैलेंस्ड मील बेनिफिशियल मील मील खा लेता है वो। और ऋतभुक सीजन के अनुसार जो भोजन लेता है वो। तीनों बैलेंस्ड मील ईटर लिमिटेड मील ईटर एंड According to a season, that means अर्थ अस्ति च हितकारी भोजनम करोति। The person who takes balanced meal, who takes meal in proper quantity and who takes meal according to the season remains healthy. यम मितम भोजनम करोति। मीन्स मित भोजन करता है वो हेल्दी रहता है। यह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति। द पर्सन हु टेक्स बैलेंस्ड मील अकॉर्डिंग टू ए सीजन सह एव निरोगः भवति। हु बिकेम हेल्दी।
संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम् आगच्छति. द सेटिस्फाइड बर्ड कम्स टू द ऋषि. सः ऋषि नमति अनन्तरं स्वस्थानं गच्छति. इट बोज टू द ऋषि. वो जो बर्ड है वो ऋषि को बोज मीन्स प्रणाम करता है. अनन्तरं स्वस्थानं गच्छति. देन इट गोज टू इट्स ओन प्लेस. इसका मतलब क्या है कि हमें अपने समय के अनुसार ऋतु के अनुसार अच्छा भोजन लेना चाहिए और स्वस्थ भोजन लेना चाहिए क्योंकि हम निरोगी रह सके. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.